थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1, ये एंगल सेम होगा। अगर यहाँ पर 50 डिग्री है तो यहाँ पर 50 डिग्री होगा, यहाँ पर 60 डिग्री है तो यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा। साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल्स टू 1। देन नेक्स्ट होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आपने याद रखना है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला है। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये थ्री फॉर्मूले से मेरे पास, एंड इनकी हेल्प से मैं 2 और बना सकता हूं। इसकी हेल्प से मैं 2 और बना सकता हूं, इसकी हेल्प से 2 और, इसकी हेल्प से 2 और बना सकता हूं। ठीक है, जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी मैं उसको अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, यूज करेंगे हम क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, अपनी मर्जी से नहीं। और मैं एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा की होल की पावर 2। अगर साइन थीटा की होल की पावर 2 है तो ये सेंटर में आ सकता है। इस 2 को चाहे आप सेंटर में लेकर आ जाओ, कोई फर्क नहीं है, चाहे आप पूरे होल की बाहर निकाल लो, चाहे अंदर लगाना है तो सेंटर में लगाना पड़ेगा, साइन की होल लगाना पड़ेगा, थीटे से पहले लगाना पड़ेगा, एंगल से पहले। सिमिलरली आपके पास अगर टैन है, टैन स्केल थीटा है, तो आप इसे सिंपल लिख सकते हो टैन थीटा होल की पावर 2। अगर होल की पावर 2 है तो सेंटर में नहीं कर सकते, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ओके, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन में अप्लाई करने वाला हूँ तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो प्लीज नोट डाउन, देन वी विल सॉल्व दी क्वेश्चन। नाउ वी विल सॉल्व दी थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड बाद में करेंगे, क्योंकि वो पहले आप बेसिक सीख जाओ, बेसिक इसका है क्या, देन जब आपको ये सारे क्वेश्चन आ गए हैं फर्स्ट एंड सेकंड ये सॉल्व कर सकते हैं। इसी सॉल्व करना है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। मैं डिग्री ना बोलू ना बोलू एक ही बात है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, आंसर में जाना है पहले, आपने आंसर में आपने इसको ही रीराइट कर लेना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, वैसे सेम ही लेफ्ट हैंड राइट की बात नहीं है, तो आंसर में आपने इसको पेस्ट कर लेना है एकदम एज इट इज। आपको जो चीज गिवन है देखो, ध्यान से देखो, 63 प्लस 27 इनका एडिशन क्या है, मेरे पास 90 है। नीचे वाले पर एडिशन भी देखो एंगल्स का, 17 प्लस 73 90। अगर 90 बन रहा है तो कुछ ज्यादा आया, जो हमने 8.3 में किया था वो नहीं करेंगे आपको, पर आज वाले अप्लाई हो गए मेरे पास। इनमें से किसी एक को चेंज करेंगे, चेंज करने से पहले उसकी पावर बार निकालेंगे। मैं फर्स्ट को चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट को अगर चेंज करूंगा तो देखो यहाँ पर बनेगा साइन 63 डिग्री की होल की पावर 2। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सेंटर में पावर है तो बाहर भी जा सकते हैं, होल की पावर में जा सकते हैं, मैंने होल की पावर कर दी। मैं अब डिग्री नहीं लिखाऊंगा, भी साइन स्क्वायर 27 मैं डिग्री नहीं लिखूंगा, आप लिख लेना। फर्स्ट को फिर से चेंज कर लेंगे, पहले पावर बाहर निकालेंगे, ये आ जाए इसे चेंज करना, किसी एक को चेंज करना होता है बस। साइन का साइन आ गया, 63 को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 27। ठीक है, डिग्री आपने लिख लेना है, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा। और क्लोज ब्रैकेट होल की पावर 2, देखो ध्यान से, साइन का साइन आ गया, बाहर जो पावर 2 की वो 2 की 2 आ गई मेरे पास। 63 को मैंने 90 माइनस 27 लिख दिया, प्लस
साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय, देखो ये कॉस का कॉस आ गया, स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, 17 को आप लिख सकते हो 19 माइनस जो साथ वाला एंगल होता है वही आता है यार, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हो ही जाएगा, देखो 17 को ऐसे लिख सकते हो और जो साथ में है सेकंड टर्म वो वैल्यू लिखती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो साइन 90 माइनस थीटा, मैंने कल बताया था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, पर थीटे की जगह क्या है अब 27 और 4 की पावर 2 प्लस साइन स्क्वायर वैसे का वैसे ही ऊपर आ गया, देखने जा देखो cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, sin थीटा कौन है 73 या हमारे का 73 आप लिख सकते हो, इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं यहां पर लिख देता हूं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, अब थीटा कौन है 27 बाहर पावर तो वो आ गई 20 प्लस साइन स्क्वायर 27 माइनस डिवाइड बाय कॉस 90 माइनस थीटा, मैंने अभी बताया आपको साइन थीटा, थीटा कौन है 73 डिग्री, 73 4 की पावर 2 प्लस कॉस के 73 कॉस स्क्वायर 73 यहां तक समझ आ गया बेटे, देन नेक्स्ट मैं यहां रेंज करने लगा हूं क्योंकि यहां मैं भी सॉल्व कर देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, वही स्टेप को हम यहां पर लिखेंगे अभी पर थोड़ा सा चेंज होगा, देखो ये पावर 4 की पावर 2 बार है, मैं सेंटर में लिख रहा हूं cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27 डिवाइड बाय sin, देखो ये स्क्वायर बार है सेंटर में आएगा, अब 73 प्लस cos स्क्वायर 73, मैंने आज ही आपको फॉर्मूला बताया है कौन सा के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, थीटा मींस एंगल, अगर एंगल यहां पर आगे पीछे लिख सकते हैं, अगर यहां पर एंगल 27 है तो 27 कर दिया तो यहां पर भी क्या आएगा 20 7 आएगा तो भी आंसर क्या रहेगा 1 ही रहेगा, तो इस चाहे आगे पीछे लिखा है कोई चक्कर नहीं है 1 आ गया इसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर 73 साइन कॉस स्क्वायर प्लस 73 थीटा तो सेम ही है, थीटा सेम चाहिए था तो इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 1, 1 और 1 क्या होता है 1, दिस इज आवर फाइनल आंसर, प्लीज नोट डाउन। नाउ वी विल सॉल्व द सेकेंड पार्ट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में क्या है साइन 25 डिग्री, डिग्री में है ध्यान उसके नहीं हम लिख रहा, कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 इसका आंसर क्या आएगा, रीडाइट करना है, रीडाइट मैं करूंगा नहीं क्योंकि मैं यहाँ पर ही आंसर लिख दूंगा, ठीक है। आंसर नंबर 2 इक्वल्स टू लिखा, इक्वल टू लिखने के बाद देखो इन दोनों का प्लस क्या है 90, इन दोनों का प्लस क्या है 90, किसी एक को क्या करेंगे हम चेंज करेंगे, पहले बोलो आपने साइन बनाना है या कॉस बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, किसी एक को चेंज करना है पर आंसर बनेगा वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सूत्र आएगा 1 आएगा, मैंने
बोथ साइन बने हैं और बोथ ही कॉस बने हैं, ये तो ऑलरेडी साइन है, इसको भी साइन बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो साइन 25 डायरेक्ट लिख दिया, इसको साइन बनाना है पहले तो आप कॉस को कॉस लिख लो, 65 को लिख लो 90 - 25 लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। प्लस ये कॉस ऑलरेडी है कॉस 25, तो इसको भी कॉस बना देंगे। कॉस बनाने के लिए पहले तो साइन लिखना पड़ेगा, कॉस सीधा मत लिख देना, साइन 90 - 25 एज इट आएगा मेरे पास, देन कॉस 90 - थीटा, थीटा ये रहा आपके पास, क्या आएगा साइन थीटा, थीटा कौन है 25, प्लस कॉस 25 नो चेंज एज इट कर देना है आपने, और साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, इसकी पूरी की जगह मेरे पास आएगा यहां पर कॉस थीटा, थीटा कौन है 25, ओके। साइन देखो कितनी बार आया मेरे पास, साइन मेरे पास आया 2 times, साइन 25 साइन 25 2 times, 2 ऊपर लगा दिया, प्लस कॉस 25 कितने टाइम आया मेरे पास, हाउ मेनी टाइम्स 2 times, तो 2 लगा दिया ऊपर इक्वल्स 2। देखो मैंने कहा आपको अगर बाहर पावर 2 है तो इसको अंदर ले जा सकते हो सेंटर में, साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर 25, देखो साइन स्क्वायर दिस इज नोन एज थीटा, कॉस स्क्वायर दिस इज नोन एज थीटा, ये दोनों सेम है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा 1, दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लीज नोट डाउन एंड प्लीज लाइक माय वीडियो, इफ यू आर लाइकिंग यू शुड टच द सिंबल ऑफ थंब, ओके। For new videos, please subscribe my channel also.